स्वागत है आप सभी का रजनी कटारिया विथ डिवाइन कनेक्शन में। दोस्तों आज मैं आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। वो सीरीज़ का नाम है जेम स्टोन सीरीज़ या जेमोलॉजी कह सकते हैं आप इसे। जेम स्टोन या राशि रत्न हर कोई पहनता है, सबको पहनना पसंद है। बहुत लोगों को मैंने देखा है काफ़ी ढेर सारे रत्न पहनते हैं, चार चार पाँच पाँच पहने रहते हैं, अंगूठे में पहने रहते हैं, और कई लोग एक या दो, मैक्सिमम लोग एक तो मिनिमम पहनते ही पहनते हैं। बहुत रेयरली लोग होते हैं जो कि राशि रत्न बिल्कुल नहीं पहनते या जेम स्टोन बिल्कुल नहीं पहनते। हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, पहनते हैं बहुत अच्छे से उनका, मतलब चाहते हैं कि हम पहने, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राशि रत्न पहनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमें कुछ नहीं करना, हाथ पैर रख के बैठना है, जो है राशि रत्न कर लेंगे और हमारा काम खत्म होता हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर हूँ, फिर भी मैं इस बात को डिनाई करती हूँ कि कभी भी राशि रत्न पे, किसी भी रेमेडी पे, किसी भी आई कैन से कोई पूजा पे, इन पे जरूर कभी भी मतलब डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने कर्मों पर डिपेंड होइए। जो आपके कर्म हैं, जो आप रोज करते हैं, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे, आपकी सच्चाई पे, आपके जीवन के जो मूल्य हैं, सच बोलना है, आदर करना है, बड़ों की सेवा, ये सब चीज़ें ही आपके जो जीवन में आगे बढ़ेंगी। राशि रत्न जो चीज़ है वो पहनिए, जरूर आपको सहायता करते हैं, लेकिन सिर्फ वो आपको सपोर्ट करते हैं। दोस्तों सपोर्ट करने में और पूरा काम करने में बहुत फर्क होता है। वो आपको ऊर्जा देते हैं, एक ऊर्जा का चक्र आपके जीवन में बनाते हैं, जिससे कि आपको जो आपका जो इतनी मेहनत है वो आपको एक सपोर्ट मिले, एक आप आगे बढ़ें। राशि रत्न आपके दिमाग में एक मैं कह सकती हूँ कि एक सहायता हेल्प करते हैं कि यानी आपको आगे बढ़ना है। साइकोलॉजी भी आपकी होती है कि आप राशि रत्न पहना है तो आपको आगे बढ़ना है, ये आपको सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली ऐसे ही होता है, लेकिन अपने कर्मों को ना भूलें। कर्म करना ही हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान जीवन है मनुष्य का, तो कर्म करना ना भूलें। राशि रत्न पहनिए, ज़रूर आपको सहायता करते हैं। राशि रत्न के लिए मैं कुछ आपके लिए टिप्स लेकर के आई हूँ। जो लोग अभी पहन रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे टिप्स रहेंगे ये, और जो पहनना चाहते हैं और जो पहन रहे हैं, मतलब पहन चुके हैं, जो जिनके साथ में वो राशि रत्न हमेशा साथ रखते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं। तो आप इन टिप्स पे ध्यान दीजिए और आप ये देखेंगे कि ये टिप्स कितने आपको ज़रूरी हैं, यानी कितने हेल्पफुल रहेंगे। टिप नंबर वन, सबसे ऊपर नंबर वन जो टिप है वो ये है, राशि रत्न कभी भी कॉपी मत कीजिए। राशि रत्न के लिए, जेमस्टोन के लिए, हम कोई अखबार में पढ़ लेते हैं, कोई मैगजीन में पढ़ लेते हैं, या किसी अपने फ्रेंड के हाथ में देख लेते हैं कि हाँ इसने जब से पहना है तो इसको बहुत सफलता मिल रही है, या इसके बाद बहुत पैसा आ गया, या इसकी शादी हो गई है। तो कभी भी कॉपी करके राशि रत्न ना पहने। हमेशा राशि रत्न जब भी पहने तो अपना एक, अपनी जो लग्न कुंडली है, जो आपकी होरोस्कोप है, जो जन्म कुंडली जिसे कहते हैं, वो किसी प्रॉपर ज्योतिष के पास, यानी जैनाइन ज्योतिष के पास जब जाएं, उसे दिखाएं और उनकी एडवाइस पर ही राशि रत्न पहने। ऐसे कोई कॉपी करके या देख के या कॉपी कभी भी ना करें, क्योंकि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चाहे आपकी नाम राशि सेम हो तो भी ना पहने, दोस्तों ये बात लाइन में हमेशा याद रखें, अगर आपकी नाम राशि भी सेम है तो भी जेमस्टोन ना पहने, एक प्रॉपर ज्योतिष के पास जाएं, उनकी एडवाइस पर ही राशि रत्न को पहने। टिप नंबर दो मेरा ये है कि राशि रत्न जो है आपकी वेट के अनुसार आपको पहनना होता है। जैसे अगर आप बहुत फैटी हैं मेरी तरह, तो मिनिमम आपको 7.75 रत्ती या 7.95 रत्ती या 7.10 रत्ती का भी रत्न पहनना चाहिए। अगर आप पतले हैं, स्लिम हैं, तो 7.75 रत्ती और 7.5 रत्ती एक एक्यूरेट साइज़ होता है। 7.75 रत्ती से छोटे राशि रत्न पहनने का कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई असर भी नहीं करता है। राशि रत्न हमेशा अपने वेट के अनुसार पहने। राशि रत्न हमेशा उसी धातु में बनवाएं जिसके लिए आपको एडवाइस किया गया है। कभी हम लोग, मैं कंजूसी वर्ड इसमें यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं ये तो गोल्ड में बोला है, चांदी में बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं, क्या होता है, जो राशि रत्न होता है उसके चारों तरफ जो ऊर्जा का सर्कल होता है, एक ऑरा वो बनाता है, तो उस धातु का सपोर्ट सिस्टम उसको लेना ज़रूरी है, तभी वो काम करता है। राशि रत्न के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो इतना पहना है, हमें तो काम ही नहीं करता। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, मूंगा जो है हमेशा तांबे में पहना जाता है, मोती हमेशा चांदी में पहना जाता है, पुखराज हमेशा गोल्ड पहना जाता है, माणक हमेशा गोल्ड पहना जाता है, पन्ना हमेशा गोल्ड पहना जाता है। मैं आगे काफ़ी डिटेल बताऊंगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में भी, कौन सा रत्न किसमें पहना जाता है, लेकिन जो आपको प्रॉपर धातु बताई गई है उसके लिए प्लीज़ किसी भी कीमत पर अवॉइड ना करें उस धातु को, कंजूसी ना करें, सीरियसली लें इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको जिस भी उंगली में बोलने के लिए, पहनने के लिए कहा गया है, हर जो ग्रह है उसका एक उंगली आपका होता है, आपकी कर्म का जो हाथ है उसमें आप हमेशा पहने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कभी भी इधर उधर ना पहने, ये राशि रत्न का जो इम्पोर्टेंट है। नंबर तीन ये कहेगा, मैं कहूँगी कि राशि रत्न जब आप पहनते हैं, मान लीजिए किसी भी ग्रह का आपको रत्न पहनाया जा रहा है,
उस ग्रह का उसी दिन, मतलब जो आपको पर्टिकुलर है, जैसे आपको अगर उकराज बताया गया है तो गुरु उसका दिन होता है, तो उसी दिन आप उसे पहने। ये नहीं कि आप गुरुवार के लिए आपको बोला तो ठीक है मैं शुक्रवार को पहन लेता हूँ या शनिवार को, नहीं, जिस पर्टिकुलर दिन पर ही आप उसे पहने, प्रॉपर टाइम पे पहने। मॉर्निंग आवर्स इज द बेस्ट फॉर द राशि रत्न को धारण करने का है, उसको उसी टाइम पे पहने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रत्न को एनर्जाइज करें, एनर्जाइज, उसको एनर्जी दें। दोस्तों क्या होता है कि हम जैसे राशि रत्न हमारे पास आया ज्वेलर के पास आया, हमने आके उसको धारण कर लिया, देखिए वो एक आपको ज्वेलरी का काम करेगा, आप असर नहीं करेगा। असर करने के लिए उसको उसी टाइम पे पहनना जब आपको ज्योतिष बताएगा, और सेकेंडली आपको उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। एनर्जाइज करने की बहुत सिंपल विधि है, आने वाले वीडियोस में जरूर मैं बताऊंगी एनर्जाइज कैसे किया जाता है। उसके बाद जो उसका पर्टिकुलर जो मंत्र होता है, उस मंत्र को आप उसे जरूर से करें 108 बार, वैसे मिनिमम करना चाहिए। अगर 108 बार नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो मिनिमम 11 बार जरूर मंत्र का उच्चारण जरूर से जरूर कीजिए, उसके बाद उसको एनर्जाइज कीजिए, वो ज़रूर आपके काम करेगा। टिप नंबर फोर का ये है, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि उन लोगों ने राशि रत्न पहना हुआ है, ठीक है, अब वो कहते हैं कि असर नहीं कर रहा है, वही मैं बार बार बात बोल रही हूँ, असर नहीं कर रहा है। अब उनसे पूछेंगे कि आप कितने टाइम से पहन रखा है, तो वो कहते हैं कि मैंने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। नहीं, राशि रत्न की जो एज होती है, जो 4 से 5 साल होती है, 4 से 5 साल के बाद जरूर से उसे चेंज कीजिए। नया आपको खर्चा करना पड़ेगा, नया आपको राशि रत्न बनाइए, नया जेमस्टोन खरीदिए, और उसके बाद आधा तो सेम आप यूज़ कर सकते हैं, जो पहले वाला जो आपने पहना हुआ है वो जरूर से आपको चेंज कीजिए। दोस्तों असर ही नहीं करता है, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का। आप अगर ड्रेस भी पहनते हैं, मैंने ये पहना हुआ है, अब मैं इसको रेगुलर 50 साल तक नहीं पहन सकती हूँ, ये मैं धोऊंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसके रेशे निकल जाएंगे, ये उधर जाएगा, जो भी हो ख़राब हो जाएगा कपड़ा, तो मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, दूसरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। उसी तरह से होता है, अगर आप उसे जीवंत मानते हैं, राशि रत्न तब यूज़ आपको काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जब आप उसको जीवंत मानेंगे, सजीव मानेंगे। जब आप उसको सजीव मानते हैं तो उसका भी एक जीवन काल होता है, उसकी भी एक उम्र होती है। 4 से 5 साल के बाद कोई भी राशि रत्न आपने पहना है, उसे जरूर से जरूर चेंज कीजिए, तभी वो असर करेगा। और वही प्रॉपर तरीके से आपको करना है, वही प्रॉपर तरीके से आपको डे देखना है, वही प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज करना है, वही प्रॉपर तरीके से उसे सारे वही काम सेम करने पड़ेंगे, उसके बाद वो असर करेगा। टिप नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिप नंबर 5 भी आपके लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, राशि रत्न एक बार आपने धारण किया, ठीक है, उसे बार बार आपने उतार देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कई लेडीज़ हैं, किचन में काम कर रही हैं, आप उसे उतार के रख देंगे, उसके बाद आप काम करने के बाद उसे वापस धारण करेंगे। ऐसा करने से राशि रत्न का जो चक्र है, जो उसने आपके इर्द गिर्द बनाया है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पूरा टूट जाता है। एक बार कि आपने उसे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर समय पे, प्रॉपर दिन को, प्रॉपर ऑरा में, प्रॉपर मतलब एकदम ढंग से उसे धारण किया, और आप उसे एनी टाइम उसे उतार के रख देते हैं और उसे आप धारण कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। इनके साथ आपको कोई देखता भी आपका हाथ की, अच्छा आपने धारण किया है, तो आप उसको उतार के ना दिखाएं। अगर आपको दिखाना तो आप ऐसे करके दिखा दीजिए। कभी भी राशि रत्न को रेगुलरली बार बार उतारना, पहनना, उसका चक्र टूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा, यूजलेस आप पहन रहे हैं उसे। दोस्तों ये मैंने कुछ छोटे मोटे टिप्स आपको बताए हैं राशि रत्न के बारे में। हमेशा राशि रत्न के बारे में जब भी आप पहने, तो एक और चलिए मैं एनर्जाइज के बारे में भी बता सकती हूँ, एक लास्ट टिप मैं ले रही हूँ। एनर्जाइज कैसे किया जाता है, आप ज्वेलर के पास से आपके पास आ गया अंगूठी या पेंडेंट, स्पेशल केसेस में हम लोग पेंडेंट भी रिकमेंड करते हैं, आ गया, आप उससे रख दीजिए, आप उसको नमक के पानी में रखिए, सॉल्ट वाटर एक छोटी कटोरी में लीजिए, उसमें रख दीजिए उस अंगूठी को। उसकी जो निगेटिविटी है, देखिए वो सब जगह टच हुआ है, वो ज्वेलर के पास भी गया है, वो सेलर के पास भी से आप लेकर के आए हैं, तो वो उसको नमक की कटोरी में रखेंगे, निगेटिविटी उसकी निकल जाएगी। उसके बाद उसको कच्चा दूध, रॉ मिल्क जो आपका होता है, उसमें आप धो सकते हैं, उसमें भी आप उसको 15 से 20 मिनट मिनिमम आप उसे रखें, ताकि रॉ मिल्क जो होता है चंद्रमा का कारक होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, उसको एक आई कैन से मून की शक्ति मैं कह सकती हूँ उसको मिलती है। आप उसे रखें, हो सके तो आप उसे धूप में भी रख सकते हैं, अगर धूप में नहीं रखना चाहें तो रॉ मिल्क में आप रख सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेश वाटर में धो लीजिए, गंगा जल है तो घर में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश वाटर जो आपका नल में आता है उससे भी आप धो सकते हैं। उसके बाद आप उस रिंग को या उस पेंडेंट को भगवान के मंदिर, जो आपका घर में मंदिर आप टेम्पल बनाया हुआ है छोटा सा, उसमें आप उसे रख दीजिए, और ईश्वर से आप बोलिए कि आप इस रिंग को क्यों पहन रहे हैं, आप ये राशि रत्न को क्यों पहन रहे हैं। उसके बाद आप ईश्वर की पूजा कीजिए, और हाँ, धूप बत्ती और वो अगरबत्ती और वो दिया जरूर आप जलाइए। उसके बाद आप ईश्वर की आराधना कीजिए, और उस राशि रत्न जो आपकी अंगूठी है उसको भी आप धूप बत्ती कीजिए। उससे क्या होगा कि उसमें एनर्जी आएगी, वो देखिए वो जो चारों जो अरोमा बनेगा, जो ऑरा बनेगा, जो ईश्वर की जो शक्ति से, उसमें जो शक्ति आप फील कर सकते हैं उस टाइम, और उस वक्त आप उसे 108 बार जो मंत्र आप बताया गया है, या 11 बार मिनिमम मैंने बताया आपको,
वो आप उसे कीजिए और आप उसे उसी टाइम धारण कर लीजिए। समय किस वक्त कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस दिन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताने वाली हूँ। कौन सी राशि वाले जो लोग हैं उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, ये मैं आने वाले आपको वीडियोज़ में डेफिनेटली बताऊँगी। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ मेरे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, रजनी कटारिया विद डिवाइन कनेक्शन ओनली ऑन यूट्यूब, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गुड बाय।